प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर भ्रमण के दूसरे दिन गोलघर काली मंदिर के पास सिविल लाइन चौराहे के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया तथा लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश की पहली घूमने वाली स्वचालित प्रतिमा है जो 24 घंटे घूमती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मंदिर में माँ काली का दर्शन कर माँ काली का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिससे हम सभी गोरखपुरवासी गौरवान्वित हों। कल्पना थी इन दोनों लोगों की और आज साकार होने जा रही है। हम सब इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित विभूतियों में लोक जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई राहुल जी और आज हम सबके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं उनको मंच यहाँ पर कार्यस्थल पर सभा मंच में सभागार में आने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सब तुम्हें कह रहे महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आज की आज का जो लोकार्पण समारोह है गोरखपुरवासियों के लिए इसलिए भी खास है कि ये देश के प्रयास का प्रतिफल है। महानगर को ये आपके सामने घूमती हुई नजर आ रही है, आप इस क्षण को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। गोरखपुर के गौरव में एक और अध्याय आज जुड़ गया और शायद देश का इकलौता ऐसा महानगर है जहां देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्वचालित प्रतिमा के रूप में आज लोकार्पित हुई आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। आज पूरे महानगर में खुशी का वातावरण है, सारा शहर उत्साहित है और ऊर्जा से नवनीत है। और हो क्यों ना, आखिर तीव्र रूप से गतिमान हो रहा है। कहते हैं कि फिजा के रुख थे पर खुशबू हवा में खुल ही गई, बहुत चलती थी जुबां सयाद के सिल ही गई। ये शहर अधेरों के खौफ से तंग हो गया था, देर से ही रही, देर से ही सही रोशनी चिरागों को मिल ही गई। और ऐसे लोकप्रिय जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सपने और कल्पनाओं साकार हो रही है और हम गोरखपुर वासियों रुक जाए। हाँ पीछे नहीं भाई, पीछे किनारे